वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी सुप्रीम। जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी वन डे चैलेंज रेमेडी, जिसे यूज़ करके हम घर पर ही पार्लर जैसा ग्लो ला सकते हैं। ये रेमेडी हमारी स्किन को ब्राइटन, टाइटन और लाइटन करेगी। जो हमारी स्किन लूज़ हो जाती है उसे भी टाइट करेगी, और जो हमारी स्किन डल हो जाती है, सनटैन हो जाता है, रिंकल्स हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, इन सभी के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है। आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। इस होम रेमेडी को यूज़ करके हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। अब हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे एक चम्मच कॉफ़ी। कॉफ़ी फेस से हमारी टैन रिमूव करेगा, डस्ट को रिमूव करेगा, और साथ में यहाँ डालेंगे एक चम्मच चावल का आटा। इसको मैंने घर में ही पीसा है। राइस फ्लोर एक बहुत अच्छा स्क्रब का काम करता है। और साथ में डालेंगे यहाँ पर एक चम्मच चीनी। चीनी भी बहुत अच्छा स्क्रब का काम करती है। ये हमारे फेस से डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर स्किन को ग्लोइंग बनाती है। 1/4 स्पून हम बादाम का तेल डालेंगे। आमंड ऑयल डाला है यहाँ पे मैंने। आमंड ऑयल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। ये हमारी स्किन की रंगत को निखारने में बहुत अच्छा होता है, और ये स्किन को डीपली नरिश भी करेगा। और 1 स्पून हम यहाँ डालेंगे कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी हमारी स्किन की टोन को इम्प्रूव करने का काम करता है। कोकोनट ऑयल पर मेरी पहले भी वीडियो है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके बेनिफिट हमारी स्किन के लिए, हमारी हेयर के लिए बहुत ज़्यादा हैं। अब हम यहाँ डालेंगे एक चम्मच लेमन जूस, और इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बहुत अच्छा स्क्रब बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा हमारी जो चीनी है वो इसमें थोड़ी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, तब तक हम इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। ये एक बहुत अच्छा स्क्रब है। इस चैलेंज को मैंने दो पार्टों में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो है हमारा ये स्क्रबिंग है, दूसरा हमारा मसाज और फेस पैक है। तो इस तरीके से करते हुए ये थोड़ी सी हमारी चीनी इसमें मेल्ट हो गई है। जिन्हें लेमन से एलर्जी है वो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लेमन की जगह एक चम्मच और कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। अब हम ये इस तरीके से करते हुए हम अब इसे अपने हाथों से अपने फेस पर पूरे पे स्क्रब करेंगे। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में हम स्क्रब करेंगे। आप देखेंगे कि स्क्रब करने से ही हमारे फेस पर कितना अच्छा ग्लो आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसे कीजिए, आप अपने नेक के एरिया पे ज़रूर इसे कीजिएगा, और आप इसे फुल बॉडी भी स्क्रब कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा स्क्रब है। स्क्रब मैंने पहले भी बहुत सारे आपको बताए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सी वीडियो हैं स्क्रब की। मैंने एक साथ बहुत सारे स्क्रब बताए थे, वो सभी स्क्रब जो हैं बहुत ज़्यादा कारगर हैं। इससे क्या होता है, स्क्रब करने से आपकी जो डेड स्किन होती है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और नए सेल्स आते हैं, जिससे हमारी जो स्किन है वो ग्लोइंग होती है, शाइनिंग होती है और सॉफ्ट होती है, और साथ साथ वो यंग भी होती है। तो इस तरीके से करेंगे, और इस तरीके से करते हुए 2 से 3 मिनट तक हम स्क्रब करेंगे हल्के हल्के हाथों से। अब हम इसे इसी तरीके से नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हम लेंगे यहाँ पर 2 चम्मच आटा, और लेंगे 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच हम यहाँ पर लेंगे बेसन, 1/2 टीस्पून लेंगे हम लेमन जूस। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अगर लेमन से आपको एलर्जी है तो इसे स्किप कर दीजिए। यहाँ अब हम लेंगे आमंड ऑयल 1/4 स्पून। अब हम यहाँ डालेंगे 1 चम्मच दही, और इसका एक फाइन पेस्ट बनाएंगे। इसमें हमने व्हीट फ्लोर डाला है, जो हमारी स्किन की रंगत निखारने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और ये नेचुरली हमारे जो सन टैन हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। कॉफ़ी जो है वो हमारी स्किन को ब्राइटन करेगी, लाइटन अप करेगी, जो हमारी स्किन की कलर टोन है उसको लाइटन करती चली जाएगी, और टैनिंग को रिमूव करने के लिए कॉफ़ी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। लेमन जूस इसमें हमारी जो डस्ट होती है, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको रिमूव करेगा। जो हमारी स्किन पर मैल हो जाती है उसको, मैल को काटता है, और जो डार्क स्पॉट्स उनको लाइटन करता चला जाता है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम लेते हुए हम इसे पूरे अच्छे से पहले मसाज कर लेंगे। 5 मिनट के लिए इसे इस तरीके से मसाज करेंगे बिल्कुल, और अपर डायरेक्शन में हमने मसाज करनी है, नेक एरिया पर, अपने पूरे
फेस पर इस तरीके से आप मसाज कीजिए। और साथ में हमने इसमें डाला है कर्ड, ये हमारी जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होते हैं जो कि हमारी स्किन की जो टोन होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारी स्किन टोन होती है उसको 2 से 3 शेड लाइटन करता चला जाता है। तो इस तरीके से ये जो पैक है ये हमारी स्किन पर लाएगा चमक, हमारे कॉम्प्लेक्शन को बनाएगा फेयर और स्किन को बनाएगा ब्राइटन, टाइटन, रिंकल्स को रिमूव करेगा, पिगमेंटेशन अगर हमारे फेस पर है तो उसको भी उसको लाइटन करता चला जाएगा। और इस तरीके से ये डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा पैक है। आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। अब इस तरीके से इसके ऊपर और अच्छे से पैक लगाकर हम इसे 20 मिनट के लिए रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए। इसको आप 20 मिनट के लिए रखें। ये देखिए, ये हमारा पैक बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसमें एकदम से इसको वॉश नहीं करना है, पहले कुछ बूंदे पानी की डालकर इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम स्क्रब करते हुए इसको वॉश करेंगे अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से मलेंगे। आप देखेंगे पहली बार के ही इस पैक से आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसको हटा के दिखाती हूँ, लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ तरीके से। ये देखिए, आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करके देखें, आपको पहली बारी में ही फील होगा कि आपकी स्किन पर कितना बदलाव हो गया है, इससे कितना बेनिफिट हुआ है आपकी स्किन पर, आपकी स्किन सांस लेने लगी है, जो हमारे रोम छिद्र होते हैं वो कितने अच्छे से हमारे क्लीन हुए हैं, हमारी जो डस्ट है स्किन की वो कितनी ज़्यादा निकली है, आपको ये पहली बारी में ही इसका महसूस हो जाएगा। और आप अपने रिज़ल्ट मेरे साथ ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये पैक कैसा लगा, आपको ये रेमेडी कैसी लगी। इस पैक को हमने घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाया है, तो ना तो ये हमारा ज़्यादा खर्चीला पैक है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं कम खर्च में, बल्कि ये कह सकते हैं कि कुछ भी खर्च किए बिना हम बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले रहे हैं, बिल्कुल पार्लर से भी ज़्यादा हम अपने फेस पर ग्लो ला रहे हैं, अपनी स्किन पर ग्लो ला रहे हैं। तो ये पैक आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये मैं आपको स्पेशल रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसका लाइव रिज़ल्ट देखा है, क्योंकि मैंने इस रेमेडी को यूज़ करके इसको महसूस किया है कि मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल कितना अच्छा ग्लो आया है पहले बार के इस रेमेडी से, इस तरीके से करके। अब आप इस पर कोई भी मॉइस्चराइज़र, चाहे एलोवेरा जेल ही आप इस तरीके से लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल से मैंने मॉइस्चराइज़र बनाना आपको सिखाया है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, अदरवाइज़ मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और स्क्रब का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।